पीढ़ी का हर जगह अपना अहम योगदान होता है, चाहे परिवार की सुरक्षा के लिए हो या फिर किसी भी संगठन को मजबूत करने में हो। युवाओं ने हमेशा अपनी अहम भूमिका ही निभाई है। यह बात गत शाम को भाजपा युवा के राष्ट्रीय महासचिव अभिजीत मिश्रा ने पिंजौर के व्हाइट हाउस पहुंचने पर युवाओं को अपने संबोधन में कही। व्हाइट हाउस पहुंचने पर मिश्रा का भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य पवन कुमारी शर्मा और संतराम शर्मा, प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान के कालका विधानसभा अध्यक्ष ने मिलकर स्वागत किया। इस मौके पर भाजपा युवा के पटियाला अध्यक्ष विशाल शर्मा, बलराज गौतम, जसपाल शर्मा, अंकुश शर्मा, संदीप शर्मा, अरुण कुमार, राजिंदर मेहता, नरेंद्र शर्मा आदि भी मौजूद रहे। राष्ट्रीय महासचिव मिश्रा ने मौके पर युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जो जनहित की योजनाएं चलाई गई हैं और जो काम हो रहे हैं, इससे जनता की पार्टी में और ज्यादा आस्था बढ़ रही है। युवा पीढ़ी पार्टी में जुड़कर संगठन को और ज्यादा मजबूत कर रही है। कहा कि युवा पार्टी की नीतियों व सरकार की जनहित योजनाओं का प्रचार लोगों में जाकर करें, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ जनता ले सके। उन्होंने कहा कि सभी युवा मिलकर, जो युवा नशों जैसी बुरी लत में लगे हुए हैं, उन्हें सही रास्ते पर लाने का भी काम करें, ताकि वो नशों से दूर होकर अपने परिवार व समाज के लिए काम करें। महासचिव मिश्रा ने संतराम शर्मा को उनकी टीम के साथ दिल्ली में आने का निमंत्रण दिया व राजनीति के बारे में चर्चा की और कहा कि उनके द्वारा संगठन के लिए मेहनत व लगन से किए जा रहे काम सराहनीय हैं।